शुरुआत करेंगे भोपाल से बड़ी खबर के साथ। प्रदेश एटीएस के दफ्तर पहुंची एनआईए की टीम। दिल्ली से भोपाल पहुंचे एनआईए के अधिकारी। कुछ दिनों पहले हुई थी आतंकियों की गिरफ्तारी और आतंकियों की गिरफ्तारी के मामले में जुटी हुई है पुलिस। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी और आतंकी मामले में भोपाल पहुंची है एनआईए की टीम और टीम अब छानबीन कर रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां पर प्रदेश में एटीएस के दफ्तर पहुंची एनआईए की टीम। दिल्ली से भोपाल पहुंची है एनआईए की टीम, जिसमें कई अधिकारी शामिल हैं। कुछ दिनों पहले ही आतंकी की गिरफ्तारी हुई थी और इसी मसले को लेकर आतंकी मामले में भोपाल पहुंची एनआईए की टीम। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना फोन लाइन पर बने हुए हैं। कुलभूषण, क्या है जानकारी? बिल्कुल, एनआईए की टीम जो है प्रदेश एटीएस के दफ्तर पहुंची है और दिल्ली से जो है एनआईए के अधिकारी भोपाल पहुंचे। कल ही जो है अधिकारियों का दल भोपाल पहुंचा था, क्योंकि राजधानी भोपाल से कुछ दिन पहले जिस प्रकार से 6 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी और बांग्लादेश से सीधे कनेक्शन था, उनका नेटवर्क था और उनके पास से जो कंप्यूटर सिस्टम सिम की चिप इसके साथ ही जो विस्फोटक सामग्री मिली थी, इस पूरे मामले को लेकर जो है एएनआई की टीम और एटीएस बातचीत कर रही है कि आगे और भी क्या कनेक्शन हो सकते हैं और किसी से संपर्क जो है यहाँ पे साधे गए थे या आतंकी संगठनों से इसे जोड़ा जा रहा था, तो इस पूरे मसले पर जो है बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही पीएफआई मामले पर जिस प्रकार से बात कही गई थी कि पीएफआई जो फंडिंग करती है, तो इस मामले को लेकर भी जो है चर्चा अधिकारियों के बीच हो सकती है। जी कुलभूषण, पूरी जो टीम वहां पहुंची है एनआईए की, इसमें कितने अधिकारी मौजूद हैं? देखिए, ये जो पूरा मामला होता है, ये गुप्त मामला होता है और इसमें जो है समय समय पर जानकारी सामने आती है, क्योंकि एटीएस और एनआईए की टीम का जो वर्क होता है वो किसी को भी जानकारी उतनी नहीं लग पाती है, क्योंकि काफी गुप्त तरीके से ये पूरे काम किए जाते हैं। जब गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय भी ये देखा गया था, आतंकियों की गिरफ्तारी के दौरान पहले एटीएस टीम पहुंची थी, उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची थी। लेकिन जो अधिकारियों का दल है, ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 5 से 6 अधिकारी जो है दिल्ली से भोपाल पहुंचे हैं और एटीएस के अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। ठीक कुलभूषण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।